तब आ गए, चलिए इसमें भी आपकी सेहत की बात करते हैं। गठिया यानी आर्थराइटिस क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे बचें, हो जाएं तो क्या उपचार रहेगा, ये बताने के लिए इस समय हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर उमा कुमार का, प्रोफेसर एंड हेड रूमेटोलॉजी एम्स से। प्रोफेसर उमा आपका स्वागत है, और साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर संजीव सिंह चावला का, आप एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं, आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर उमा आपसे शुरू करेंगे, क्या है गठिया? गठिया एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का, और हम कहते हैं गठिया हो गया जबकि जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ लाल हो जाते हैं, कामकाज करने में प्रॉब्लम आती है और उनमें बहुत जकड़न हो जाती है जो कि बहुत देर तक परसिस्ट करती है। यूजुअली आधा घंटा से ज़्यादा तक अगर जकड़न रह रही है जोड़ों में तो वो एक लक्षण हो सकता है। ये जोड़ कोई भी जोड़ हो सकता है या पैर का ही? बॉडी के कोई भी जोड़ हो सकते हैं, इवन जो स्पाइन के जो जोड़ होते हैं उनमें भी असर आ सकता है। जी, तो यानी गठिया बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है? किसी भी पार्ट में आ सकता है गठिया, एक जैसा भी डॉक्टर ने बताया कि बॉडी के किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है। इसका मेन जो स्टार्टिंग सिम्टम होता है, पेशेंट को सबसे पहले सुबह उठेगा उसको स्टिफनेस फील हो रही है, उसको एक कॉन्स्टेंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। सो अगर ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है वो, उसके लिए उसको जरूर जाँच करानी चाहिए कि वो टिपिकली जाए इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर को कंसल्ट करें कि उसमें आर्थराइटिस के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, गठिया के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा करने से जब संबंधित चिकित्सक को जब वो मिलते हैं तो उससे फिर वो जानकारी ले सकते हैं कि यस कि मेरे को गठिया की, फिर बहुत सारी आगे क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं। जी, उन क्लासिफिकेशंस पर भी हम आएंगे, लेकिन यदि आज दो डॉक्टर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे आप सवाल करना चाहें गठिया यानी आर्थराइटिस पर, तो हमारे फ़ोन नंबर खुले हैं। हमारा फ़ोन का नंबर नोट करें, 2309-7532। दस दी स्टूडियो नंबर 2309-7532, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। आर्थराइटिस से जुड़ा सवाल आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर उमा, हमें जो पहले लगता था कि गठिया जो है वो उम्र के साथ आता है, बुजुर्गों में ही आता है, ये सच है या किसी भी उम्र में आ सकता है? ये बिल्कुल गलत है, गठिया किसी भी उम्र में आ सकता है, और सोमसो की जो नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें भी आर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। और जैसा हमने कहा जोड़ों का मैनिफेस्टेशन तो एक सिम्टम है, बाकी इसके अलावा जैसे बुखार आना और आंखों में आंसुओं का सूख जाना, मुंह का ड्राई हो जाना, स्किन पे रैशेज आ जाना, धूप में जाने पे फेस पे बहुत ज़्यादा रैशेज आना और उनमें इचिंग होना, ऐसे बहुत सारे लक्षण जो हैं गठिया के हो सकते हैं। और ये पुरुषों में, महिलाओं में भी हो सकते हैं? कोई जेंडर सेंसिटिव? जेंडर बायस होती है, जो बहुत ही सीवियर प्रकार का गठिया होता है, जो ट्रीटेबल होता है, जिसके लिए दवाएं लेना बहुत ज़रूरी होता है, वो महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है, जिसे हम ऑटो इम्यून इटियोलॉजी कह देते हैं। ऑटो इम्यून कॉज होती है उस आर्थराइटिस की, लेकिन जो किसी भी उम्र में हो सकती है, और ये वाली जो गठिया है, बाकी जो आर्थराइटिस है वो एक पर्टिकुलर एज के साथ ज़्यादा कॉमनली होती है, यूजुअली 40 के बाद, लेकिन आजकल वो भी यंग एज में देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही हुआ एक तरह से? बिल्कुल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आज की डेट में वर्क स्ट्रेस, एक आदमी को भाग दौड़ भरी जिंदगी, तनाव से मुक्ति ना मिलने के जो चीज़ें हैं उनमें आदमी अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पर जैसे डॉक्टर उमा कह रही थी डॉक्टर चावला की, एक न्यूबॉर्न बेबी को भी हो सकता है गठिया, उसे तो कोई स्ट्रेस नहीं, उसके भी क्या कारण? न्यूबॉर्न बेबीज का जहाँ तक है उसके पीछे पैथोलॉजिकल रीजन बहुत सारे हैं, जो जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो लगता है कुछ जेनेटिक डिजीज पास ऑन हो जाती है। सो ये जेनेटिक भी है, पैथोलॉजिकल भी है, और जहाँ तक आदमी है 99% हम कॉमन प्रैक्टिस में जब देखते हैं किसी भी सामान्य वर्ग के जो लोग आते हैं उनकी कॉमन प्रॉब्लम होती है, जी मुझे बहुत थकावट फील होती है, मैं बहुत थकावट लगता हूँ, शाम तक मुझे बुखार जैसी छौन लग जाती है, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। सो वो एक नॉर्मल इस चीज़ को लेके टालते चले जाते हैं, तो जब उनको देखा जाता है तो वो कहीं ना कहीं हरे गठिया के लक्षण शुरुआत हो जाते हैं। जी, इस समय पहले कॉलर फोन लाइन पर है डॉक्टर उमा, उनका सवाल लेते हैं। रतलाम से नम्रता है फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, हेलो सर, नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं रतलाम से बोल रही हूँ। जी हाँ सर, मुझे आर्थराइटिस की बीमारी है सर, 3 साल हो गए हैं। जी, आपकी उम्र कितनी है? जी 42 साल। 42। 42, और क्या करती हैं अब आप फिर उसे ठीक करने के लिए? जी सर, मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, नेचुरलपैथिक सारा कर लिया। कोई विधा नहीं छोड़ी आपने नम्रता जी। डॉक्टर उमा, उनके कौन कौन से जोड़ अफेक्टेड हैं, अगर लाइन पे हैं? कौन कौन से जोड़ अफेक्टेड हैं? हाँ सर, मेरे सिर्फ अभी मेरे जो जॉइंट है वो तो आयुर्वेद से ठीक हो गए, पर एक पंजो पे मेरे स्वेलिंग रहती है, जो जॉइंट है ना पैर का नीचे का। जी, एक ही पंजो पे वो जा ही नहीं रही सर। हाथों में कभी सूजन आई आपको? हाथ के जोड़ों में भी सूजन आई थी पहले? नहीं नहीं मैडम, हाथ के जॉइंट जरूर दर्द होते थे। हाँ, पर वो ठीक है, पर एक ही पैर के पंजों में जो जॉइंट है मेन,
वहाँ पे भोजन जा ही नहीं रहे, मुझे चलने बहुत तकलीफ होती है। देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि गठिया एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का, जैसे कुछ बीमारियों के मैं नाम बताऊं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई बोलते हैं ल्यूपस की बीमारी, सिस्टमिक ल्यूपस रिदमेटोसस, वैस्कुलाइटिस, ऐसे ही बहुत सारी गठिया की प्रकार होते हैं। तो उसमें ये जानना जरूरी है कि आर्थराइटिस के साथ साथ कोई और लक्षण है या नहीं है, जिसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनती है। और खाली जोड़ों में तकलीफ है तो कॉमनली अकरिंग आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो हो सकता है इनको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस रूमेटॉइड के प्रकार की हो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसका इलाज तो सिर्फ एलोपैथिक में संभव है, और हो सकता है कि कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ इनको मिल गया हो और बीमारी अंदर ही अंदर चल रही हो और बाद में जाके टेढ़ापन डेवलप हो जाए। अगर ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इनको जरूर फिजिशियन से या रूमेटोलॉजिस्ट से। डॉक्टर चावला बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज अभी तो रिसर्च बहुत कहती है, क्योंकि एलोपैथी में तो सिवाय नॉन स्टीरॉयडल पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर से लेके बाद में अल्टीमेटली स्टीरॉयड एंड मेथोट्रेक्सेट जैसी दवाइयां, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है, क्योंकि होम्योपैथी कभी किसी व्यक्ति विशेष की बीमारी को नहीं छोड़ती। होम्योपैथी की सबसे बड़ी खासियत है उसके लिए अगर इस जोड़ में 10 आदमी को जड़ किया तो 10 की दवाई अलग होगी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे नम्रता जी को? अब ये नम्रता जी के साथ जो प्रॉब्लम, नम्रता जी आपका वेट कितना है? जी इस समय वो सुन रहे हैं आपको टेलीविजन पे, फोन संपर्क। नम्रता जी का वेट ज्यादा हो सकता है, जो सर पंजे की प्रॉब्लम बता रही है, मे बी इनको सिंपल अभी यूरिक एसिड तंग कर रहा हो, इनका यूरिक एसिड लेवल हाई हो। अगर वो है तो ये जाँच कराएं अपने यूरिक एसिड की, और आसपास किसी भी होम्योपैथ को मिले और उसको दोबारा से अपनी कहानी बताएं। जी पर एक 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 और कॉलर है, वीना जी महाराष्ट्र, पहले उनका कॉल लेते हैं। डॉक्टर उमा, हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार। नमस्कार वीना जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मेरी उम्र है 52 जी, मतलब जिस हिसाब से मेरे को पैरों में दर्द होता है ना, मतलब मेरा वजन भी इतना नहीं है जी, 60 मेरा वजन है जी, और मतलब सूजन रहती है गोड़ों घुटनों में, और मतलब ऐसे। आपने डॉक्टर को दिखाया है वीना जी, कोई टेस्ट कराया है? टेस्ट मैंने सब कराया, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द है आपको? हाँ जी। तो ये मुझे किस वजह से है, टेंशन की वजह से है या कुछ मतलब एसिडिटी की वजह से है या क्या है पता नहीं। देखिए ऐसा है, एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी कि हर दर्द जोड़ का गठिया नहीं होता, ठीक है। जोड़ों में दर्द के बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जोड़ का मिसयूज होना, मतलब प्रॉपरली अपने जॉइंट को यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि घरों में प्रैक्टिस होती है, वहां पे जमीन पे जब पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, तो वो उकड़ू बैठ के किए जाते हैं ये काम, तो उस पे जॉइंट्स पे स्ट्रेस पड़ता है और पेन हो जाता है, एक चीज ये। दूसरा, कुछ बॉडी में डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन है विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसमें कि जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, मसल्स में पेन हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वीकनेस की फीलिंग हो सकती है। तो इस केस में ये देखना जरूरी है कि जैसा मैंने पहले कहा कि और लक्षण क्या है साथ में एसोसिएटेड, और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करके, कुछ सिस्टमिक इलनेसेस होती हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो मैलिग्नेंसी हो, जैसे कैंसर की शिकायत, उन सब में भी जोड़ों में दर्दें रह सकती हैं। तो एक कुछ टेस्ट करते हैं जिनसे कि हम पता कर सकते हैं, ठीक है ये कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उस चीज को करेक्ट किया जा सकता है। आप कौन से इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट? मैं थोड़ा सा ये ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, अब ऐसे केसेस में आके एलोपैथ के पास हमारे कोई जवाब नहीं बचता। हमारे पास लोग आते हैं फाइलें उठा के कि जी मेरे तो इतनी बड़ी बड़ी सारी फाइलें टेस्ट करा ली है A to Z, मेरे किसी टेस्ट में कुछ आता नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो चल ही नहीं सकता, मेरे में तो थकावट इतनी रहती है, मेरे जॉइंट स्टिफ हैं, और मेरे टेस्टों में कुछ नहीं आता। जहाँ टेस्टों में कुछ ना, एलोपैथी निल हो जाती है, वहाँ उनके पास सिवाय पेन किलर और टेम्परेरी इलाम के अलावा कुछ नहीं बचता। आप क्या सजेस्ट करेंगे? अब उसमें ऐसे में होम्योपैथी इलाज बहुत ज़्यादा कारगर है। होम्योपैथी दवाई की एक सिंगल डोज पेशेंट को जिंदगी भर का आराम दे सकती है। होम्योपैथी को लोग बहुत माइल्ड समझते हैं। अगर होम्योपैथ, एक बड़ी पुरानी सी सेइंग है, हम लोगों को सिखाया जाता है कि होम्योपैथी नेवर फेल्स, इट इज़ द होम्योपैथ हु कैन फेल इन द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। अगर जहाँ उसकी राइट सिलेक्शन हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिल गई, वो पेशेंट एक डोज में ट्रीट हो जाएगा। डॉक्टर चावला, आप उसको कोई इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट के लिए भी कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। अब जैसे इनके साथ है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि डेफिशिएंसी डिजीजेज देखनी बहुत ज़रूरी है। आजकल विटामिन डी आप 10 में से 8 लोग जो है विटामिन डी डेफिशिएंट मिलेंगे आपको। हम लोग शहरों में, हम लोग बाहर ओपन्स में नहीं घूमते हैं ज़्यादा, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी इतना कॉमन हो गया आज की डेट में कि हर बच्चे से लेके बूढ़े तक में सबको प्रॉब्लम है जी। तो ये टेस्ट हम जरूर कराएं और फिर डॉक्टर से सलाह लें। एक और कॉलर है, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरे ना
जी हेलो जी जी पूछे सवाल। मेरे ना कमर में बहुत दर्द रहता है, मुझे पहले गठिया हुआ पॉजिटिव आया था जी, तो अब यूरिक एसिड है वो नेगेटिव हो गया जी। कुलदीप जी अपनी उम्र और अपना वजन भी बताइए। मेरा वजन 70 किलो। उम्र? और 70 किलो। और एज? एज 34 साल जी। 34 साल 70 किलो। हाँ, और भी जोड़ों में इनकी तकलीफ है, बॉडी के बैक में तो पेन है लेकिन पैर के पंजों में, घुटनों में, एड़ियों में या किसी और जोड़ में भी आपको सूजन रहती है? नहीं, हाथों में पेन रहती थी जी, अब ठीक है। और जो कमर का दर्द था वो सुबह सो के उठ के ज्यादा होता था, सुबह उठने के बाद ज्यादा होता था या दोपहर में ज्यादा होता था? जब कई बार खाना बना रही हूँ ना तो फिर जब बैठती हूँ तब इतनी अकड़ जाती है बैक, बैठने में ज्यादा। देखिए इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि जो कमर का दर्द है वो भी एक लक्षण हो सकता है गठिया का। जो इस प्रकार की गठिया है वो यंग एडल्ट्स में ज्यादा कॉमनली मिलती है, मेल्स में ज्यादा कॉमन होती है फीमेल के बजाय। और उसमें होता क्या है कि कमर में दर्द होता है आराम करने के बाद, मतलब रात में सोना मुश्किल हो सकता है, करवट बदलना मुश्किल हो सकता है, सुबह जब सो के उठते हैं तो बैक सीधी नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है और हमारी एक्टिविटी बढ़ती है तो उस सिम्टम में आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो जो पेशेंट है वो मॉर्निंग में ज़्यादा स्टिफ होगा और दोपहर में अच्छा महसूस करेगा। तो ये वार्निंग साइन है एक कि ये सीरियस प्रकार का गठिया हो सकता है। अगर जो दर्द है वो एक्टिविटी से बढ़ रहा है कि काम काज कर रहे हैं, थक जा रहे हैं, फिर बैक पेन हो रहा है, तो वो हो सकता है कि बहुत सीरियस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इन्होंने कहा इनका गठिया का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो एक टेस्ट होता है HLA-B27, वो पॉजिटिव होता है स्पोंडाइलो आर्थराइटिस के कंडीशन में, राइट? तो ये देखना, इनको जाके अगेन मैं कहूंगी कि या तो एम्स में आए या फिर जो भी अवेलेबल फिजिशियन है या रूमेटोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट करें, जिससे वंस फॉर ऑल वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई और ऐसी आर्थराइटिस का सस्पिशन इसमें मैं नहीं कहूंगी कि करना चाहिए जी। एक होम्योपैथ डॉक्टर की अप्रोच क्या रहती है? अप्रोच सबसे पहले पेशेंट का लाइफस्टाइल, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, बीमारी का कॉज जानना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी कोई भी दवाई सबसे पहले कॉज पे आकर रुक जाती है, उसकी एग्रवेशन एम्बलोरेशन की सिम्टम क्या है, ये सबसे पहली अप्रोच होम्योपैथ को जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर पेशेंट उसका जो है वो कैसा है। उसका वर्क स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उसे कुछ पोस्चर्स कहते हैं कि ये डोज एंड डोंट्स? डेफिनेटली देखिए, पोस्चर कोई भी हो, अब ये कमर का दर्द बता रही हैं, पहले इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव आया, HLA-B27 चेक कराया या नहीं कराया, उससे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पता लग सकेगा। इनकी यंग एज है, इस एज में बड़ी कॉमन एज की प्रॉब्लम है आज के डेट में ये। सो ये सबसे पहले, अभी तो जो इनकी प्रॉब्लम नज़र आती है वो स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड ज़्यादा है, जहाँ तक हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है। स्पाइनल डिजीजेज जितनी पेनफुल आती है बैक के, उसके तीन ही कारण मेन है, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड बैड पोस्चर। चौथा कोई पैथोलॉजिकल रीजन अगर नहीं है तो इन तीन के अलावा पोस्चर बताइए। बैड पोस्चर क्या है और कैसे करेक्ट करें? बैक पोस्चर में आप कंटिन्यूसली किसी भी एक पोजीशन में नहीं बैठना। कितनी देर? आधे घंटे से ज्यादा, हर आधे घंटे बाद। ओके, तो ये जो हम घंटे भर का कार्यक्रम करते हैं ये भी घंटे भर का कार्यक्रम करते हैं, और जब ब्रेक मिलती है वो शायद आपको इसलिए मिलती है कि आप उठ जाए, थोड़ा उठ जाए, थोड़ा पोजीशन चेंज कीजिए। एक तो है किसी भी पोस्चर में आधे घंटे से ज्यादा ना रहे, और आप अपना खान पान का ध्यान रखें, बहुत जरूरी है आज के डेट में। बच्चे और सब लाइविंग स्टाइल जंक फूड बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें एसिड्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, प्रोटीन इनटेक बहुत ज्यादा है। आजकल एक नया शौक चढ़ गया, वेट रिड्यूस करना है, सारे के सारे प्रोटीन डाइट में है। अब वो प्रोटीन डाइट से ये नहीं जानते कि जितनी प्रोटीन डाइट लेंगे यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होते हैं, जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, पैरों में नीचे दर्द, वो यूरिक एसिड ज्यादा, यूरिक एसिड की वजह से। उसका सलूशन क्या होगा जानेंगे, लेकिन एक और कॉलर है डॉक्टर उमा फोन लाइन पर, दिल्ली से हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी, और रात में कमर भी काफी तेज दर्द हो जाता है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र सर 42 साल है और वजन 65 किलो है जी। और तो काफी होम्योपैथिक भी कराया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद में भी ठीक हो जाएगा, फिर स्थिति जीव का बना रहता है, काम वाम कर नहीं पाते। कितने सालों से आपको दर्द है जोड़ों में? 4-5 साल से। जैसा मैं बता रही थी अभी कि एक प्रॉब्लम होती है स्पोंडाइलो आर्थराइटिस, जिसमें बैक में पेन और पर्टिकुलरली लोअर लिम्स के जॉइंट जो हैं, पैरों के जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द और स्वेलिंग हो सकती है। तो इनको भी हो सकता है कि स्पोंडाइलो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए अगेन प्रॉपर, बिकॉज
टेलीविजन पे हम डायग्नोसिस नहीं दे सकते, सजेस्ट कर सकते हैं कि हो सकता है ये सीरियस प्रकार का गठिया हो जिसका टाइमली इलाज अगर शुरू हो जाए तो इनको काफी आराम मिल सकता है। कई बार पैरों की दर्द कई लोग कहते हैं, तो अगर दर्द मान लीजिए यहाँ घुटने में है वो गठिया हो सकता है, कई बार वो नीचे कहते हैं तलवे तक नीचे जाता है वो भी गठिया हो सकता है। बिल्कुल, घुटने का जो दर्द है वो नीचे पैरों तक जा सकता है, महसूस हो सकता है, वो इसलिए होता है कि बहुत सारे नर्व्स होते हैं और चीजें, तो रेफर्ड पेन होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे है लेकिन दर्द जो है वो नीचे काफ में पेन महसूस होता है। और दो तीन बार जिक्र हुआ बैक से, तो क्या गठिया का बैकएक से भी लेना देना है? बिल्कुल, कई प्रकार के गठिया होते हैं जिसमें कमर में दर्द की शिकायत होती है, कुछ तो सीरियस प्रकार के होते हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है आज के जमाने में। वी हैव ओरल ड्रग्स अवेलेबल, कुछ महंगे ड्रग्स हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स बोल देते हैं जो कि दिए जाते हैं, और उसमें आता है स्पोंडाइलो आर्थराइटिस, और जो एंकाइलोजिंग स्पोंडाइलाइटिस है वो स्पोंडाइलो आर्थराइटिस का ही एक प्रकार है। तो अगर वो तकलीफ है वो यंग एज में होती है, लेकिन अगर 40-50 साल के बाद प्रॉब्लम हो रही है कमर दर्द की तो उसमें मैकेनिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बैड पोस्चरिंग, या फिर वेट बढ़ा होता है, पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है, टमी आउट है, तो उसमें भी कवेचर जो है स्पाइन की डिस्टर्ब होती है तो पेन हो जाता है। दूसरा, कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें बैक पेन होता है, मैनिफेस्ट बैक पेन से कर सकते हैं, उसमें दूसरे सिम्टम्स होंगे, फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, बैक पेन हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो, या फिर कई मैलिग्नेंसीज होते हैं कैंसर, उसमें भी बैक पेन हो सकता है। तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं लेकिन आर्थराइटिस से भी जुड़े। तो डॉक्टर साहब मान लीजिए पैर ठीक है लेकिन वेट है, ओबीस है व्यक्ति, और स्वेलिंग मान लीजिए आपका फेस पे भी नजर आती है, तो फिर होम्योपैथ डॉक्टर क्या गोलियां जो देगा, मीठी गोलियां, उससे मोटापा भी कम हो जाएगा? वही बात आ गई, सारी सारी मैंने अभी वर्ड यूज किया था होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर उसका मोटापा आ रहा है, वो सब चीज़ें आ रही हैं, तो हम उसको जॉइंट पेन सर उस, अगर वेट कम नहीं है तो नी जॉइंट का पेन हो या लेग्स को, आप जब तक वेट हल्का नहीं करेंगे आराम ही नहीं पाएंगे, सही, तो उसको कोई भी काम नहीं कर पाएगा, जितना भी काम करेगा इट एड ऑन्स टू हिज प्रॉब्लम, तो उसके वेट रिडक्शन के लिए उसको दवाइयां देनी पड़ेंगी। होम्योपैथी में इलाज है, होम्योपैथी में बिल्कुल इन सब चीजों का जो आप गोली देते हैं ये ताउम्र लेनी पड़ती है कुछ सीमित समय के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई ताउम्र का नहीं है, ये पेशेंट को जब एक्यूट कंडीशन होती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज थोड़ा ज्यादा होता है, दिन में 5-6 बारी खानी पड़ती है, और बाकी जो है जैसे जैसे आराम आता है पेशेंट को वो दवाई घट के 1 या 2 डोज में आके रह जाती है, और एक हफ्ते के बाद बंद, एक कुछ टाइम के बाद वो दवाइयां बंद हो जाती है। वैसे भी मीठी गोलियां हैं लेने में अच्छी लगती हैं लेने का, और सबसे बड़ा जो बात है होम्योपैथी का जो एडवांटेज है, सारे सिस्टम अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही आज की डेट में जरूरत है सब सिस्टम को इकट्ठे चलाने की, इसलिए आयुष ने बहुत अच्छा, अभी देखिए गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, पुरानी को सारा मिला दिया उन्होंने। अब होम्योपैथी की सबसे बड़ी मेरिट है वो सिर्फ होम्योपैथी में फिजियोलॉजिकल कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सो आप लॉन्ग टाइम भी खाते रहे तो आपके बॉडी में कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होने वाला। जी, इस समय विमल है दिल्ली से फोन लाइन पर। हेलो जी, हाँ जी, सवाल पूछिए प्लीज। मेरा सवाल ये है जी, मुझे 15-16 साल से जो है आर्थराइटिस की दिक्कत रही है, और मेरा वजन है अराउंड 70 किलो जो है। कौन से जोड़ों में दर्द रहती है आपको? मेरे जो फिंगर टिप्स है ना, वो फिंगर के बीच में जो जोड़ होता है वहाँ पर है, और रिस्ट में भी हो जाता है, कभी कोहनी में भी हो जाता है, और कभी कभार पैरों में भी होता है। जी, और कि मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती है हाथ के जोड़ों में और पैर के जोड़ों में, सुबह जब सो के उठते हैं आप तो जकड़न रहती है जी, और ये होती है सुबह भी, और लेकिन जब मौसम बदलता है तब ज्यादा होता है, तब ज्यादा होती है। तो और जोड़ों में सूजन दिखती है आपको हाथ के जोड़ों जी, में जी, जी, लाल हो जाता है जी, तो ये हो सकता है इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, और जैसा कि मैं पहले भी कहती रही हूँ कि आज के जमाने में ये क्योरेबल नहीं है बट ट्रीटेबल है कंडीशन, और दवाओं से इसका शर्तिया इलाज संभव है, इतना तक मैं तो कहना चाहूंगी। जैसे इन्होंने सिम्टम बताया, इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिर कोई टेस्ट कराएंगे आप? नहीं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं रूमेटोलॉजी में 95% टाइम्स डायग्नोसिस हो जाती है बेस्ड ऑन गुड हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, राइट, एंड 5% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है इन्वेस्टिगेशंस का। तो इसीलिए जो कभी कभी होता है कि जो पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लिखे जाते हैं, कई बार डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं, देयर इज नथिंग लाइक पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो जो रेलेवेंट टेस्ट है, जैसे इस पेशेंट में अगर हमने रूमेटॉइड सस्पेक्ट किया तो वी कैन ऑर्डर रूमेटॉइड फैक्टर एंड NTCCP टेस्ट, एंड इफ दैट कम्स पॉजिटिव एंड देन एक्सरे ऑफ बोथ हैंड्स एंड देन ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड। जी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब और क्या बताएंगे, जैसे पोस्टर्स के लिए आपने बताया कि जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, उसमें कुछ खास ध्यान रखना हो जोड़ों के लिए? उसमें कोई ऐसा नहीं है, अगर पेशेंट को नी जॉइंट की प्रॉब्लम है तो उस कमर के पेशेंट्स हैं उन लोगों को एक्जर्शन अवॉइड करनी चाहिए ज़्यादा, आप बॉडी का वेट ना डालें, वैसे मूवमेंट कीजिए, फिजियोथेरेपी रेगुलर कराएं, एक्सरसाइजेस कीजिए विदाउट स्ट्रेनिंग योर बॉडी,
आप मूवमेंट कीजिए उस जॉइंट की, उससे उसकी सर्कुलेशन अच्छी होगी, रिकवरी अच्छी आती है, बट आप साथ के साथ उस पर एक्सर्शन करेंगे, बॉडी का वेट ज्यादा डालेंगे तो प्रॉब्लम आती है वहाँ थोड़ी सी। और जैसे हम लोग गालती पालती मार के बैठते हैं, अगर सामान्य व्यक्ति करना चाहिए, अगर जोड़ों में सूजन आ गई है, अगर जोड़ों में सूजन है तो बाहर निकल आया उसका, तो वो पोस्चर उसको, लेकिन सामान्य व्यक्ति कोई प्रॉब्लम नहीं, सामान्य व्यक्ति के लिए कोई प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब और कोई छोटी छोटी चीजें जो हम ध्यान रखें रोज, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी जो हमने डिस्कस किया। एक चीज जो हम बात कर रहे थे कि जेनेटिक ट्रांसमिशन की इन बीमारियों की, तो जितनी भी आर्थराइटिस की बीमारियां होती हैं वो हेरिडिटरी नहीं होती हैं, इनमें जेनेटिक कंपोनेंट होता है जहाँ पे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो ट्रिगर करते हैं और उस इंडिविजुअल को वो आर्थराइटिस हो जाती है। और जो नवजात शिशु में बात की थी आर्थराइटिस की, वो होती है क्योंकि मदर में ऑटो एंटीबॉडी, मदर एसिम्टोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू न्यूबॉर्न में गई और बाद में जब उसकी बर्थ हुई तो उसको वो मैनिफेस्टेशन आए डिजीज के, और उन सिचुएशन में अगर वो पीरियड निकल गया तो बाई 9 months वो ऑटो एंटीबॉडीज चले जाते हैं और ठीक हो जाता है, तो नॉट नेसेसरीली कि लाइफ लॉन्ग चलेगी प्रॉब्लम, एक चीज ये। दूसरी चीज है यूरिक एसिड का बहुत हाइप है कि, लेकिन लिटरेचर सेज हाइप जो एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया है, मतलब यूरिक एसिड लेवल्स बढ़े हुए हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट शुड नॉट बी ट्रीटेड। और यूरिक एसिड जो गाउट की प्रॉब्लम होती है वो यूजली होती है पोस्ट मीनोपॉजल वेमेन में, राइट right? और जो यंग फीमेल्स हैं उनमें गाउट सस्पेक्ट नहीं करते अनटिल अनलेस देयर इज सम फैमिली हिस्ट्री, राइट। और मेल्स में हो सकती है अगर रेलेवेंट सिम्टम्स हैं। बॉर्डरलाइन यूरिक एसिड से परेशान हो जाते हैं लोग, यूरिक एसिड करवाई क्यों, पहली तो ये चीज, और अगर हुई तो बॉर्डरलाइन एलिवेटेड है तो कोई चिंता की बात नहीं है और कोई दवाई की भी जरूरत नहीं है, दवाई की भी जरूरत नहीं है। पर डॉक्टर साहब चलते चलते नहीं आता इतना देखने को यूरिक एसिड केसेस में, जहां तक क्लिनिकल एक्सपीरियंस कहता है मेल्स को बहुत ज्यादा कॉमन है। और जितने लोग जो मदरा का सेवन करते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट ज्यादा लेते हैं, वो लोग अब सिम्टोमेटिकली एक पेशेंट पेन के साथ आ रहा है, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल है, सिर्फ उसका एक यूरिक एसिड लेवल एलिवेटेड है, तो वो पेशेंट बेचारा पेन में है, स्टिफनेस में है, और उसके लिवर की इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज्यादा है, उसमें जोड़ों को दर्दों को इतना ध्यान नहीं देना, उसके मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, उसके दर्दें ठीक हो जाती हैं जी। तो डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब गठिया का बचाव भी कर सकते हैं अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें तो गठिया हो ही ना, और डाइट का ध्यान रखें तो ये जो नॉर्मल सिम्टम है जो आपकी ब्लड टेस्ट में नहीं आ रहे हैं वो आप बच सकते हैं उनसे जी, बच सकते हैं। तो एनी अदर टिप इन यू नो फाइनल वर्ड्स, आप खाने का ध्यान बहुत जरूरी है, कोई चीजें जो आपने कहा जंक फूड को ना कहें, अच्छी चीज क्या है जोड़ों के लिए? अच्छी चीज तो आप अच्छी रिच फाइबर डाइट लीजिए, ग्रीन फूड में बेसिकली, अब दर्दों में अब कई बार कहते हैं जी ग्रीन फूड बिल्कुल मना है, जहां यूरिक एसिड बहुत हाई है वहां तो पालक वालक मना हो जाती है, बाकी सब्जियों का नॉर्मल सेवन करते रहें, फल फ्रूट खाते रहें, तो उससे कोई दिक्कत आती नहीं है जी। डॉक्टर साहब एक ब्लड टेस्ट कराया एक पेशेंट ने, उसमें उसके इसिनोफिल ज्यादा थे, एक से छह होने चाहिए 27 थे, और फिर उनको डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके जी कोई कीड़ा है अंदर, ये क्या है? कीड़ा एक वजह है इसिनोफिल्स बढ़े होने का, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में बढ़ जाते हैं इसिनोफिल्स, तो इसिनोफिलिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो अगर यूसिनोफिल्स बढ़े हुए आए हैं तो हम ये देखते हैं, टेस्ट ऑर्डर करते हैं कि वजह क्या हो सकती है यूसिनोफिल्स बड़े होने की, और जहां कोई वजह नहीं मिलती तो वो हाइपर यूसिनोफिलिक सिंड्रोम एक डायग्नोसिस मिल जाती है जो कि इडियोपैथिक कॉज होती है, और उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, लेकिन हमेशा यूसिनोफिल्स बड़े होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कीड़े की वजह से ही है। तो इसमें ओके इसको पता नहीं है, लेकिन इसके इसमें घबराने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात तो किसी बीमारी को लेके नहीं है, आजकल हर चीज का इलाज संभव है। पर ये जैसा आपने कहा, क्योंकि एक मिथ था आपने कहा कि भाई उम्र के साथ ही घटिया आता है, जब युवाओं को होता है कोई कहता है 34 साल में 40 साल में तो फिर बड़ा दुख होता है, तो इसका मतलब जीवन शैली को ही बदलना होगा, क्योंकि अगर कोई उठ ना पाए चल ना पाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन शैली एक चीज है, और जीवन शैली के साथ साथ जरूरी है कि हमारे जो वातावरण है उसको स्वस्थ रखें, सफाई का ध्यान रखें, और एयर पोल्यूशन की भी जो आजकल बात हो रही है, एयर पोल्यूशन को भी देखा गया है कि वो ऑटो इम्यूनिटी इंड्यूस करता है और उसकी वजह से आर्थराइटिस होती है जो कि यंग इंडिविजुअल्स में होती है। तो जो स्वच्छ भारत अभियान जो का चल रहा है आजकल, तो मैं तो कहूंगी सब लोगों को पूरे दिल से कंट्रीब्यूट करें, अपने घर में और अपने आसपास बिल्कुल क्लीन रखें, क्योंकि जो रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है आर्थराइटिस का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज। तो और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, मूव टू इम्प्रूव, मतलब चलें फिरें इम्प्रूव होने के लिए, और मिसयूज ना करें जॉइंट का, यूज योर जॉइंट, डोंट मिसयूज योर जॉइंट। मूव टू इम्प्रूव एंड रिमेंबर यू हैव टू यूज योर जॉइंट, डोंट मिसयूज योर जॉइंट। और आज ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर संजीव चावला, डॉक्टर उमा कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
तो डॉक्टर्स हमेशा चाहते हैं कि हम सभी सेहतमंद रहें. वी ऑलवेज से डॉक्टर्स आर नेक्स्ट ओनली टू गॉड. और बीते कल जो राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने पद्म अवार्ड्स दिए, उस सूची में यदि आप नजर डालें तो बहुत से डॉक्टर्स हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है.